कछार से निकलता है तो कैसा लगता है? शेर जब कछार से निकलता है तो कुछ ऐसा दिखता है। शेर जब धाड़ता है तो कैसे सुनाई देता है? शेर जब हारता है तो ऐसा सुनाई देता है। ये महज एक जहाज नहीं है, ये आजम है 22 करोड़ पाकिस्तानियों का। ये हौसला है उन माओं का जो रात में सुकून से अपने घरों में सो सकती हैं, क्योंकि उनके ये बेटे उनकी हिफाजत के लिए मामूर हैं। चाहे दिन हो या फिर हो रात, हर वक्त आपके ये बेटे आपकी हिफाजत के लिए चौकन्ने हैं। खुश रंग फलक गुल रंग जमीन सर सब्ज़ फ़ज़ाए पाकिस्तान, अपना है चमक अपनी है लगन महके ये हवाएं। ये है JF-17 थंडर जो बना देता है दुश्मनों को खंडर, क्योंकि ये है सिर्फ वंडर ही वंडर। इसने सिर्फ एक दफा दुश्मन को नाको चने नहीं चबवाया, बल्कि उस एक दिन की तारीख को दुश्मन पे ऐसा हैबत तारी करके रख दिया है कि अब दुश्मन सोचता भी नहीं है, और सोचने से पहले भी 100 बार सोचता होगा कि अगर इस बार उसने कोशिश की सरहद को क्रॉस करने की, सरहद को पार करने की, तो एक बार फिर उसे नाको चने चबवा दिए जाएंगे। JF-17 थंडर तुझे सलाम। गाजी चले हवाओं के गाजी चले, दुश्मन पे धाक बिठानी है, एक बार फिर दुश्मन को मुंह की खिलानी है। आज का दिन इस अजम को दोहराने का दिन है कि दुश्मन एक बार आए या फिर 100 बार, वैसे तो वो दूसरी बार की गलती भी नहीं करेगा, दुश्मन एक बार आए या 2 बार, हर बार की तरह हर तरीके से दुश्मन को नाको चने चबवा दिए जाएंगे, क्योंकि ये है JF-17 थंडर। एक कप चाय की कीमत पूरी दुनिया जान चुकी है, और जान चुके हैं वो लोग भी के जो हमारी मेहमान नवाजी देख के जा चुके हैं। अगर सुबह की रोशनी में आएंगे तो फिर मोस्ट वेलकम, लेकिन अगर रात की तारीखी में बुजदिली दिखाएंगे तो आपको पहले तैयारों से मार गिराएंगे और उसके बाद चाय पिलाएंगे। द टीम वॉज फैंटेस्टिक। तो जिस तरीके से हमारे पायलट्स हर घड़ी तैयार होते हैं, उसी तरह कहा और समझा तो ये जाता है कि अफसर तो अफसर होते हैं, लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं उसी स्क्वाड्रन विंग कमांडर काशिफ साहब, जो उन्होंने अभी पूरे सूट भी उन्होंने पहन लिया है और वो एक प्री फ्लाइट चेक भी कर रहे थे। काशिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आप प्री फ्लाइट चेक कर रहे थे तो क्या हो रहा था, मुझे ज़रा ये बताएं। बेसिकली जहाज़ को परवाज से पहले जो लास्ट टाइम पायलट चेक करता है उसको प्री फ्लाइट कहते हैं। हमें अपने क्रू चीफ और बाकी टेक्नीशियंस पे पूरा एतमाद है, लेकिन ये एक प्रोसीजर है जिसमें पायलट ख़ुद भी एक दफ़ा जहाज़ को चेक करता है फॉर दैट सर्विसेबिलिटी, ताकि वो उड़ान के लिए तैयार हो जहाज़। सर एक ऑनर होता है इस तैयारे में बैठने का, तो वो ऑनर तो जाहिर सी बात है आप महसूस कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर वो ऑनर हमारे साथ शेयर करें कॉकपिट में बैठ के कैसा फ़ील करते हैं। जी ये एक बहुत यूनिक ऑनर है, पाक फ़ज़ाइया का ये त्यारा उड़ान, इसकी उड़ान भरना जिस पे पाकिस्तान का झंडा बना हुआ है और फ़ज़ाई सरहदों की निगेबानी करना, ये प्रोफेशन इंतहाई यूनिक है जिसमें आप डेली उस काम की तैयारी करते हैं जो कि इंशाल्लाह वक्त पड़ा तो इंशाल्लाह हम भरपूर तरीके से उसको निभाएंगे। चलिए अब आप रेडी हैं फ्लाई करने के लिए, तो हम आपका मज़ीद टाइम नहीं लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो आपने देखा कि वक्त जो है वो जंग का हो या वक्त आम का हो, हमारे पाक फ़िज़ाइया के ये आन सिफत सपूत हर घड़ी तैयार रहते हैं, और उनको तैयार भी ऐसे रहना है कि बस चंद ही लम्हों में उन्होंने तैयार होना है और चंद ही लम्हों में इसको फिजा में लेकर आना है। दो पल का ये जीवन है, कुछ करना है तो कर गुजरो। दुश्मन के हौसले पस्त करने वाले ये आहन सिफत बेटे जब तक इस धरती पे जन्म लेते रहेंगे और जब तक फिजाओं से शोला बरसाते रहेंगे, तब तक हमारे मुल्क का दिफा
नाकाबिले तस्खीर हाथों में रहेगा, क्योंकि हम हर घड़ी तैयार कामरान हैं। तो अभी हमने आपको दिखाया है कि किस तरीके से पायलट जो है अपने आप को रेडी करते हैं। तो हमारे साथ विंग कमांडर अनस मौजूद हैं। अनस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उधर तो आप लोग बस फटाफट खटाखट जो है वो सूटअप कर रहे थे, इसलिए हमने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन इधर हमने आपके बस थोड़े से देर के लिए आपको पकड़ लिया। सर अनस, मुझे ये बताएं कि स्ट्रैपिन यानी कि तैयार होना कितने जल्दी जल्दी आप लोग कर लेते हैं? एक्चुअली रिएक्शन टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से वी हैव टू बी सूटेड अप एंड इवन इन द एयर इन लाइक वेरी मिनट्स ऑफ टाइम। सो इट्स लाइक less than a minute I think we are geared up for the flying and we have to be quick enough to even respond. 1 minute ke andar andar aapne strap in kar liya. Acha kuch jo hai dekhne walon ko bataye ki jo suit hai aapka, ek to aapne strap sare kar liye, suit G suit kehlata hai, ye kya suit hota hai, kya aapki help karta hai? बेसिकली जी सूट के अंदर जो सबसे पहले हमारा लोअर फ्रॉम द लोअर टोर्सो टूवर्ड्स योर लेग साइड, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे ब्लड को नीचे जाने से रोकता है। बिकॉज जब हम एयर में जीज पुल कर रहे होते हैं और उस टाइम पे जब हम लोगों को जब भी कोई टर्निंग मैनूवर करना होता है, इन दैट केस हमारे अगेंस्ट द ग्रेविटी हम जब हमारा ब्लड नीचे की तरफ होता है तो उसको रोकता है बेसिकली उसमें, एंड इट हेल्प्स अस इन रिटेनिंग आवर कॉन्शियसनेस। सो बेसिकली वन ऑफ द कंपोनेंट्स इज दिस लोअर जी सूट, द अदर वन इज़ द हार्नेस, ये जो पैराशूट का बेसिकली हार्नेस है ये हम लोग को पहना होता है। इन केस ऑफ गॉड फॉरबिड वी हैव टू इजेक्ट आउट इन केस ऑफ सम इवेंचुअलिटी, सो दिस हेल्प्स अस इन एक्चुअली रिटेनिंग ourselves with the parachute and coming down. और ये जो तीसरी चीज़ है, दिस इज़ बेसिकली LPU which helps us in automatically inflates जब भी ये water based किसी भी या सी के, बिकॉज हम सराउंडिंग में उड़ रहे हैं, सो यू नेवर नो इन एनी ऑफ द इवेंचुअलिटी यू एंड अप इजेक्टिंग ऑन टू द सी, सो उस केस में ऑटोमेटिकली इन्फ्लेट होकर हमें सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपने देखा कि प्रिपेयर होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और जी सूट जो है उसकी क्या खासियत होती है, क्या खसूसियत होती है। अच्छा, अब एक पायलट तो है वो तो तैयार हो गया, लेकिन उससे पहले भी थोड़े बहुत लवाजमात होते हैं, तो वो क्या होते हैं वो हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है स्क्वाड लीडर मोहिब। मोहिब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से? अच्छा मोहिब भाई, आप लोग रेडी हो गए, सब कुछ हो गया, तो हम तो ये समझते हैं बस रेडी हो गए, भाग के जहाज़ में चढ़ गए, देखने वाले भी। ये बीच में प्रोसीजर है, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये बताएं। असल में हमारा जब भी किसी मिशन पर जाने से पहले जहाज़ के कुछ इंस्पेक्शन होते हैं, कुछ चेक्स होते हैं, हमारी फ़्लाइट लाइन्स जो हैं वो काफ़ी टाइम लगा के जहाज़ के कुछ चेक्स वगैरह करते हैं। एज ए पायलट ये हमारा काम है कि जाने से पहले हम वेरीफाई करते हैं वो चेक्स। ये एक डबल चेक होता है फॉर सेफ्टी ऑफ द एयरक्राफ्ट एंड आर सेफ्टी, कि जो जो चीज़ें एज़ पर प्रोसीजर होनी चाहिए वो कम्प्लीट है। हम जहाज़ की चेक करते हैं सारी तक, रिफ्यूलिंग वगैरह, ऑक्सीजन चार्जिंग वगैरह, एयर चार्जिंग वगैरह, और बाकी जो लाइफ सेविंग इक्विपमेंट वगैरह वो एज़ पर प्रोसीजर्स हो चुका है कि नहीं। अगर हम ये स्टेप मिस कर दें और गॉड फॉरबिड कोई एक क्रिटिकल चीज़ मिस हो जाए तो वो एक बहुत बड़े हादसे की तरफ लेके जा सकती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए, उसे बचाने के लिए हम जहाज़ पर जाने से पहले जहाज़ के सारे चेक्स जो प्रोसीजर हैं वो एक दफ़ा रीचेक करते हैं। पाकिस्तान का परचम एक शोल्डर पे और दूसरे शोल्डर पे जहाज़ का पैच, क्या प्राउड मोमेंट होता है? यही एक हमारे लिए प्राउडिंग मोमेंट है कि पाकिस्तान का झंडा, इसको हमेशा हाई रखें, इसको हम हर वक्त अपने साथ लगा के रखते हैं ताकि दुनिया को पता चले कि फॉर अस इट इज़ एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। और तैयारी हो गई है, अब आपको हम लेके जाते हैं और दिखाते हैं कि जब शेर कछार से निकलता है तो उसकी धाड़ कैसे होती है। तारीख याद रखेगी कि बुजदिल दुश्मन तो रात की तारीकी में ही आता है, लेकिन बहादुर शेर सिफत और आहन सिफत बेटे दिन की रोशनी में उस दुश्मन का शिकार करते हैं। पलटकर झपटना, झपटकर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। दुश्मन चाहे सदियों हमारे खिलाफ साजिश करे, अब उसे पता चल गया होगा कि वो सदियों की साजिश हम यूं पलक झपकते ही नेस्तो नाबूद कर सकते हैं। कोई रास्ता नहीं जिससे मैं गुजरा नहीं इन राहों में, मैं बेखौफ हूँ डर रहता हूँ तेरे दिल दुआओं में,
इस ऑपरेशनल बेस के उसी स्क्वाड्रन हमारे साथ मौजूद हैं विंग कमांडर काशिफ साहब। काशिफ साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच सबसे पहले तो, और बड़ा अहम दिन है जी 27 फरवरी स्विफ्ट अटॉट, वो दिन के जब एक दिन पहले दुश्मन जो है वो हमेशा की तरह अंधेरी रात में आया, और अंधेरी रात में आने के बाद दुनिया को बताने की कोशिश कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, किया तो कुछ नहीं, कुछ दरख्तों का नुकसान, कुछ कब्रे शहीद, और अगले दिन फिर दिन की रोशनी में पाक फिजाइया ने पूरी दुनिया को बताया कि बच्चू जी इधर अगर बग़ैर वीज़ा के आओगे तो फिर चाय की प्याली है आपके लिए, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। आज के दिन की मुनासबत से आपकी क्या यादें जुड़ी? 27 फरवरी जो है एक बहुत ही यादगार दिन है, और एक हमारे कौम का जो अज़्म नौ का दिन है। पाक फ़ज़ाइया के लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन इस वजह से भी है कि जब 26 फरवरी को इंडिया की तरफ से ये हरकत हुई तो यकीन जानिए हम बिल्कुल इसका जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए थे, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि हम ब्रॉड डे लाइट में इसका जवाब देंगे और भरपूर जवाब देंगे, तो उस अज़्म का अदा और उसकी ताबीर करते हुए ये तकमील का की स्टेज थी जिसमें जाके हमने डे लाइट में दुश्मन जो रात के अंधेरे में आया हमने डे लाइट में जाके उसका जवाब दिया और भरपूर जवाब दिया उसको। और एक हर पायलट की, हर प्रोफेशनल ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स की एक यादें ज़रूर हैं इस डे के साथ। वो कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी पे ऐसी जगह पे मामूर ज़रूर था जहाँ पे उसको एक अलर्ट कर दिया गया था कि अब हम दुश्मन को भरपूर जवाब देने लगे हैं। तो इसी तरह से मैं भी एक फ्लाइंग स्क्वाड में इस तरह डिप्लॉयड था और हमें भी भरपूर अलर्ट कर दिया गया था, और हम एक किसी ना किसी तरह से इस एक्शन का हिस्सा ज़रूर थे। बिल्कुल एक्टिवली पार्टिसिपेट तो नहीं किया, लेकिन हमें ये इल्म ज़रूर था कि क्या होने लगा है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और उसी तरह पुरजोश थे और उसी तरह ये दुआगो भी थे कि हमें भी मौका मिले कि हम जिस सेक्टर में ये डिफेंस के लिए तैयार हैं हमें भी मौका मिले कि वहाँ हम भी दुश्मन के दांत खटे करें। बेशक। अच्छा सर, स्विफ्ट अटॉट पे मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक मैं सवाल आपसे ज़रूर करना चाहूँगा। पूरी पाक फ़िज़ाइया का कोई ऐसा स्क्वाड्रन नहीं है और किसी भी स्क्वाड्रन का कोई ऐसा ओसी नहीं है जिसको ये एजाज़ हासिल हो कि उसके स्क्वाड्रन में एक शहीद हो। कौम जिसको कहा जाता है ना कि ज़िंदा होती हैं जब शहदा के जो लहू से दीप जो हैं वो जला करते हैं, कैसा फील करते हैं इस ऐसी स्क्वाड्रन का हिस्सा होना, इसका ओसी होना के जो राशिद मिनहास के नाम से जुड़ी? बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल आपने ये बात जो कि जो कहा जाता है कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, तो पाक फ़िज़ाइया के सारे कॉम्बैट यूनिट्स में शहदा की हिस्ट्री ज़रूर मौजूद है और हमने जानों का नजराना दिया है, लेकिन नंबर टू स्क्वाड्रन के लिए ये एजाज़ की बात है कि पायलट ऑफिसर राशिद मिनहास शहीद निशान हैदर, उनका ताल्लुक नंबर टू स्क्वाड्रन से था, और यही बात हमें मुमताज़ करती है बाकी स्क्वाड्रन्स के साथ भी, और ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। हम अपनी डेली फ्लाइंग में, डेली रूटीन में इसको बहुत एजाज़ समझते हैं, और ये हमारे लिए ऑनर है जिसको अपहोल्ड करना हम अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं, और इसी जज्बे के तहत हम अपने रेगुलर ऑपरेशंस, अपनी ट्रेनिंग को कैरी आउट करते हैं। अच्छा सर, जो हमारा प्रोग्राम का इब्तिदा था उसमें आप ही वो जहाज फ्लाई कर रहे थे, JF-17 इज़ आर प्राइड, वॉर प्लेन को उड़ाना कैसा महसूस करते हैं? ये बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही कि इट्स अ प्राइड ऑफ द नेशन, JF-17 स्पेसिफिकली जो है, और अपने मुल्क का, अपने वतन का जहाज हवा में उड़ाना एक फ़ख्र का लम्हा है इसमें, और JF-17 ना सिर्फ ये है कि प्राइड ऑफ द नेशन है, बट इट्स अ फ्यूचर ऑफ द नेशन पाकिस्तान एयरफोर्स एज वेल। जिस तरह JF-17 में अपग्रेड्स हो रही हैं, नया इसके वर्जनस आ रहे हैं, तो यकीन मानिए कि JF-17 इस खत्े में एक नुमाया कुव्वत के तौर पर बन के उभर रहा है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जब इसका नेक्स्ट वर्जन जो कि JF-17 Block 3 है वो इंशाल्लाह हम ऑपरेशनलाइज कर लेंगे, तो JF-17 के हम पल्ला बहुत कम जहाज़ इस रीजन में रह जाएंगे, चाहे फिर पड़ोस वाले फ्रांस से मंगा लेंगे, इटली से मंगा, जहाँ से मर्जी मंगवाएं, इंशाल्लाह हम अभी भी तैयार हैं, और इंशाल्लाह जब हम Block 3 और दूसरे नए जहाज भी इंशाल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स में इंडक्ट हो जाएंगे तो आप देखिएगा कि पाक फ़िज़ाइया एक नेक्स्ट लेवल पर इंशाल्लाह ऑपरेट करेगी। एब्सोल्युटली सर, आखिर में आज का दिन, सिर्फ आज का दिन नहीं बल्कि जब जब मैली आँख उठा के देखने की कोशिश भी की दुश्मन ने, चाहे वो 48 से चिलास के मकाम से, उसके बाद फिर 65 हो गए, 71 हो गया, हमने अपनी सरहदों का दिफा किया, बल्कि हमने जाके ब्रादर इस्लामी ममालिक की भी सरहदों का दिफा किया, इसराइल के जहाज़ मार गिराए। तो आज के दिन के मुनासबत से कौम के
कौम को और ख़ास तौर पर नौजवानों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं आपके प्रोग्राम की तवसत से कौम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पाक फ़ज़ाइया चौको चौबंद और हर वक्त तैयार है और हम दुश्मन की हर एक्शन पर नज़र रखे हुए हैं। और यकीन मानिए कि हमारी दिल की ख्वाहिश है कि दुश्मन एक दफ़ा दोबारा गलती करे और इंशाल्लाह हम उसको वो सबक सिखाएंगे कि उसकी आगे नेक्स्ट जनरेशन भी याद रखेंगी, जो है कि पाक फ़ज़ाइया का मोटो है कि स्लीप टाइट वी आर अवेक। तो मैं आपके प्रोग्राम की तवसत से ये पूरी कौम को पैगाम देना चाहता हूँ कि वी आर डेफिनेटली अवेक एंड वी विल इंशाल्लाह टेक केयर ऑफ ऑल सच डेंजर्स एंड वी विल आल्सो सर्व यू टी बिकॉज़ पाकिस्तानी टी इज ऑलवेज फैंटास्टिक। F-17 तैयारों से तो आपकी मुलाकात करवाई, अभी वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो आपकी मुलाकात करवाएंगे इन क्लासिक तैयारों से। F-17 जैसा मॉडर्न जेट हो या फिर मेराज जैसा क्लासिक, ये पाक फिजाइया ही है जिसने F-17 को वॉर रेडी और मेराजिस को भी वॉर रेडी रखा हुआ है, जिस बात की गमाजी करता है कि चाहे दिन हो या रात इस वतन के बेटे इसकी हिफाजत के लिए हर दम चौकस हर दम तैयार है। ये जमीन मेरा वतन, आसमान मेरा चमन, रोके ना कोई। फरवरी को जब एक जानब दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए JF-17 फिजा में थे तो दूसरी ही जानब ये वेटरन जिन्हें 50 साल से ज़ायद का अरसा इन फिजाओं को तस्खीर करते बीत चुका है, मैं बात कर रहा हूँ मिराज तैयारों की। ये भी JF-17 और हमारे दीगर फ्लीट्स के हमरा शाना बशाना उन दुश्मनों का ताकुब करने में लगे हुए थे। तो अब सवाल यही पैदा होता है कि इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद भी पाक फिजाइया ने ऐसे क्लासिक तैयारे को फ्लाईवर्दी कैसे रखा हुआ है। हमारे साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट जैद मौजूद हैं के जो ईओ हैं, इंजीनियरिंग अफसर हैं। जैद सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। जैद, मुझे ये बताएं कि इतना अरसा गुजर गया, इसके बावजूद आपने पाक फिजाइया ने इसको कैसे प्रिपेयर रखा हुआ है, फ्लाईवर्दी रखा हुआ है? सर, बेसिकली स्टार्ट तो ये होता है जब हम एकेडमी जाते हैं, ठीक है, वहाँ से ही ट्रेनिंग में आपके इंड्यूस किया जाता है कि आपने जो अपने जो भी एसेट्स हैं कौम के, कि उनको आपने बहुत ही अपने पर्सनल उसके साथ उसकी केयर करनी है, ठीक है। तो हमारी जो इंजीनियरिंग 3 साल की वहाँ पे गुजरती है, उसके बाद हम मुख्तलिफ अपनी बेसिस पे चले जाते हैं जहाँ पे फिर हम इनके जो शॉप्स हैं जहाँ पे इनके कंपोनेंट्स जाते हैं उनको देखते हैं, और फिर उसके बाद हम आते हैं इस एयरक्राफ्ट पे फ्लाइट लाइंस जो कि जहाँ पे इस वक्त हम खड़े हैं, जहाँ पे बेसिकली आपके ऑपरेशंस जो कैरी आउट होते हैं वो कैरी आउट होते हैं। क्या मुख्तलिफ एक एयरक्राफ्ट खासतौर पर मिराज के क्या मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं, प्लीज़ थोड़ा अगर हम आप बताएं। बेसिकली मिराज एक डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट है और इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, बेसिकली सर ये एक इनटेक है जहाँ से आपकी हवा आती है, वो कंबस्ट होती है, थ्रस्ट प्रोड्यूस होती है और इससे आपको जहाज़ उड़ता है बेसिकली, जो कि नॉर्मल एयरक्राफ्ट में आप देखें साइड पे 2 इंजन लगे होते हैं। और उसके बाद ये कॉकपिट, यहाँ पे सारा जो पायलट कंट्रोल वगैरह वो यहाँ से होता है। ये एक हमारे यहाँ पे जो सामने आप देखेंगे कौन है, इसके अंदर रेडार लगा हुआ है जिससे हमारे पायलट को पता चल जाता है कि आगे कौन से एयरक्राफ्ट आ रहे हैं। उसके बाद अब यहाँ पे आ जाएं तो ये है ड्रॉपिंग्स, जैसा कि आप लंबे जाते हैं उस पर सफ़र पे तो साथ आप एक जेरिकैन लेके जाते हैं, तो बेसिकली वही काम करता है अगर आपने इंड्योरेंस बनानी हो एयरक्राफ्ट की। और साइड पे आपके लगे हुए हैं मिसल्स जो कि इंफ्रारेड, जिनमें सेंसर वगैरह हैं और ये लॉक कर लेते हैं। और पीछे इसके फिर एयरक्राफ्ट के ये इसका बेसिकली लैंडिंग गियर सिस्टम है, दो व्हील्स यहाँ पे पीछे और एक फ्रंट पे, और ये अगर आप इसको नीचे से देखें तो ये अंदर फोल्ड हो जाता है। मेरे संग उड़ रही है दुआ, अल्लाह हू अकबर, शाहीन का इमाम, हम जाग रहे हैं, देखा तूने अपना अंजाम। तो ऑपरेशनल बेस की पूरी एक्टिविटी आपने देखी और आज का दिन भी बड़ी अहमियत का हामिल है, और बारहा जब जब ये दिन साला साल आता रहेगा तो हमें इस दिन से जुड़ी वो यादें हमेशा आती रहेंगी और वो चाहेगा कब तो मैं ज़रूर याद आएगा। तो इस सब पे हम बात करेंगे ऑपरेशनल बेस के बेस कमांडर एयर कमांडर फारूक ज़मीर अफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं।
सर थैंक यू सो मच, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस बेस पे हमें इनवाइट किया। गुफ्तगू का आगाज़ आज की अहम दिन से ही करते हैं, 27 फरवरी, ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट। आप लोगों ने तो एज ऑफिसर्स उसको देखा, हम एज पाकिस्तानी जब हमने सिविलियंस उसको देखा तो वो दिन हमारा जिसको कहते हैं ना सीना फ़खर से फूल गया था। उस दिन सड़कों पर भी बड़ा जश्न था। मुँह तोड़ जवाब दिया अपने से बड़े साइज़ की, लेकिन अपने से कम बहादुर या कम जो इसको कह दें बुजदिल फौज को। तो सर मुझे ये बताएं कि एज ऑफिसर्स आप इस दिन को कैसा देखते हैं, कैसा फ़ख्र महसूस करते हैं, और कुछ यादें उस दिन के हवाले से कुछ हमसे ज़रूर शेयर करें। सबसे पहले तो आप सब समा की टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, आई वी वेलकम यू टू आर बेस। आई एम श्योर कि आप की जो इंट्रैक्शन हुई होगी उससे ही आपके जज्बे का आपको क्लियरली पता चल गया हो कि हाउ पॉइज वी आर। हर दिन जो हमारा स्टार्ट होता है और एंड होता है, एवरी डे वी ट्रेन आर सेल्फ फॉर सच कॉन्टीजेंसीज। और पाकिस्तान एयरफोर्स पाक फजाइया का जो तुर इम्तियाज़ है कि वी आर 24/7 रेडी, ऑपरेशनली रेडी फोर्स। और अल्हम्दुलिल्लाह एवरी डे वी ट्रेन आर सेल्फ फॉर सच इवेंचुअलिटी। और आई थिंक वन ऑफ दैट हमने पहले से इसकी तैयारी की हुई थी, ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की मुकम्मल तैयारी हमारी थी, एंड वी न्यू एंड वी ऑलवेज वर्क अपॉन दिस। और अपने एनिमी के बारे में हम पढ़ते हैं, उसके बारे में अपने आप को तैयार रखते हैं। और हमारा हर एयर क्रू, हर पायलट और हमारा हर फजाइया में काम करने वाला एयरमैन, सिविलियन ऑफिसर्स, सब के सब इस डायरेक्शन में काम करते हैं। दैट इज़ वन एंड ओनली थिंग, दैट इज़ द ऑपरेशनल रेडीनेस। जहाँ तक आपने बात की 27 फरवरी, यस, जिस तरह से पाकिस्तानी कौम के लिए वो एक फ़ख्र का दिन है, और उस दिन हमने अपने अकदार के मुताबिक जो है एक ऐसी फ़ौज को और ऐसी कौम को हमने जवाब दिया जो ये समझते थे शायद कि वो कुछ कर बैठेंगे, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से और हमारे एयर स्टाफ की बताए हुए डायरेक्टिव्स के मुताबिक और हमारे प्लान्स के मुताबिक उस दिन जब हम उन्होंने हमला किया और जस्ट दे वुड ओनली एबल टू डिस्ट्रॉय फ्यू ट्रीज और कुछ मे बी कभी मारे बेचारे मारे गए। अल्टीमेटली जब हम इंतज़ार में थे कि जब हमारे गवर्नमेंट की तरफ से, हायर अप्स की तरफ से जैसी हमें इजाज़त मिली, तो हमने वाकई जो हमने कहा था कि हम सरप्राइज़ करेंगे, तो हमने अपने दुश्मन को सरप्राइज़ किया और मुकम्मल एक ऑर्गेनाइज प्लान तरीके के साथ जिस तरह हम चाहते थे हमने अपने सारे टारगेट्स अचीव किए। और आपने देखा होगा और उसको उस दिन नेक्स्ट डे दिखाया भी गया कि हमारे हदफ पे सारे टारगेट थे, और अगर हम चाहते तो हम एक एक को उड़ा सकते थे, बट चूंकि हम एक ज़िम्मेदार कौम और जिस तरह से हमें बताया गया था उसके मुताबिक निशाने पे रखते हुए बावजूद आखिरी टाइम पे हमने अपने टारगेट को चेंज किया और हमारे जो वेपन थे वो ओपन एरियाज़ में गए। लेकिन जो उसका मैसेज था वो आई थिंक हमारे दुश्मन तक बहुत क्लियर टर्म में, और दुनिया ने भी देखा कि एक ज़िम्मेदार कौम की तरह से हमने बिहेव किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस तरह से हमारी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद है, पाक फजाइये का सर और हमारा जो परचम है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी उसी तरह से बुलंद, अल्लाह ताला इसी तरह से कायम दायम रखे इंशाल्लाह, आमीन। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि 27 फरवरी के दिन जब फिज़ाओं में JF-17 थंडर एक जानब तो बुज़दिलों का पीछा कर रहे थे, तो जो हमारे क्लासिक जेट्स हैं मिराजेस वो भी पीछे नहीं थे, वो भी शाना बशाना उन दुश्मनों का पीछा कर रहे थे, उन्होंने भी बम्बार्टमेंट की। बिन मोर देन 50 ईयर्स नाउ के आपने उसको फ्लाईओवर रखा हुआ है, उसको वॉर रेडी रखा हुआ है, ये सब कैसे मुमकिन बनाया हुआ है? मेरे ख्याल में आपने बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात की है। 1967 में मिराजेस पाकिस्तान के फजाई फजा में दाखिल हुए और उस वक्त से ये पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा है, और आज भी जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं बिकॉज ऑफ आर प्लान मेंटेनेंस, और जो हमारी प्लानिंग के मुताबिक और हमारे मेंटेनेंस की जो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक चूँकि हम काम करते हैं और उनको मेंटेन करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो उसी तरह से उड़ रहे हैं जो आज से 50 साल पहले जिस तरह से वो आए थे और हमारी फोर्स का हिस्सा बने थे। लेकिन ओवर द ईयर्स, बिकॉज आपको पता है कि बहुत सारी एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजीज आई, हमने अपने इन जहाज़ों को उस हिसाब से आगे मॉडिफाई भी किया है। नाउ टुडे वो आज की ज़रूरियात के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए और हमारे जो प्लान्स के मुताबिक है जो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, और आज भी ये डेल्टा एयरक्राफ्ट और डेल्टा वॉरियर्स उसी तरह से पहुँचे हैं और उसी तरह से ट्रेन हैं, और ये उसी तरह से ये जहाज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह से जो है परफॉर्मेंस दे रहे हैं।
and they are very important part of our the force of Pakistan Air Force. अच्छा सर, एक चीज़ जो कि हमेशा आम लोग ये जानना चाहते हैं कि एक बेस को कमांड करना कितना ज़्यादा जिम्मेदारी का काम है, और एक जिसको कहते हैं एयरमैन हो गया, एक पायलट हो गया, एक रैंक और एक नॉन रैंक ऑफिसर, क्या रिलेशन रहता है उसमें, एक बेस के ऊपर क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं, ये ज़रा थोड़ा सा ज़रूर बताएं। बेस जो है वो कंप्राइज करता है फाइव डिफरेंट डोमेन्स एक्चुअली, बट प्रीडोमिनेटली हमारा सारे के सारे जो बाकी विंग्स हैं वो काम करते हैं एक ही मकसद के लिए, और वो है ऑपरेशनल रेडीनेस के लिए। सो जहाँ पायलट हैं उनमें ऑफिसर्स हैं, फिर उसकी तरह हमारे इंजीनियरिंग ऑफिसर्स हैं, फिर हमारे मैन हैं सपोर्ट्स में, हमारे लॉजिस्टिक डॉक्टर्स, हर तरह की जो हमारी डिफरेंट विंग्स में जो काम करने वाले लोग हैं, इन सब से मिलकर पाकिस्तान एयरफोर्स बनती है एक्चुअली। और जिस तरह से आपने बात की कि बेस के अंदर, तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें, इस मिनी एयरफोर्स एक्चुअली, तो ये एक मिनी एयरफोर्स है एक बेस, और उसको कमांड करने के लिए रियली इट्स अ प्राइड और चैलेंज भी है, और कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक अपने आप को फर्स्ट ऑफ ऑल एज बेस कमांडर प्रूव करना है, एंड देन अपने मैन को जिसमें ऑफिसर्स एयरमैन सिविलियन सब शामिल हैं उनको भी फोकस रख इस मकसद के लिए कि डे इन डे आउट एक ही मकसद के लिए हमने काम कर रहे हैं, तो टोटल फोकस इसी पे रहता है सारा दिन, चाहे वो फ्लाइंग हो, नॉन फ्लाइंग डे पे हमारे सारा फोकस मेंटेनेंस और हमारी ग्राउंड ट्रेनिंग के ऊपर होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन सब चीज़ों के साथ मिलके एट द एंड आई वुड से कि अल्लाह के फजल से जो मकसद हमारा है उसमें अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी हुई, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसी तरह से फोकस रखे और जिस मकसद के लिए जो मकसद दिया गया है उस पर हम पूरा उतर सकें। आखिर में सर, कौम को 27 फरवरी के दिन की मुनासबत से क्या पैगाम देना चाहेंगे? बहुत सिंपल सा इसका जवाब है, और वो ये, पाकिस्तान एयरफोर्स इज अवेक, यू कैन स्लीप टाइट। थैंक यू सो मच एयर कमांडर फारूक साहब फॉर योर टाइम, और एयर कमांडर फारूक हमारे साथ मौजूद थे, और यकीनन आज का दिन हमें याद दिलाता रहेगा उस अज़्म की, उस तजदीद की जो हमें हर साल करने की ज़रूरत है, और वो ये कि चाहे दुश्मन कितना ही बड़ा क्यों ना हो और चाहे मुश्किलात जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें हर घड़ी हर दम तैयार रहना है, चौकन्ना रहना है, और क्योंकि हमारी फ़िज़ाइया, हमारी अफवाज हर घड़ी हर दम चौकन्ना है, इसीलिए हम चैन से सो सकते हैं, इसीलिए तो कहते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स सेकंड टू नन। जब अज़्म बुलंद हो और हौसले जवान हो तो फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है और आपके आगे कितनी मुश्किलात हैं। यही तो सच साबित कर दिखाया है एक ड्राइवर की बेटी ने कि जिन्होंने बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में अव्वल पोजीशन हासिल की है और असिस्टेंट कमिश्नर बन गई हैं। क्वेटा की मसीह बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली मारिया शमून ने PCS में 3 मरतबा नाकामी के बावजूद हिम्मत नहीं हारी, और इससे सबक ये मिलता है कि इंसान को मोटिवेशन जो है वो हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए, और हर नाकामी के बाद मजीद उनकी जानिब से मेहनत की गई, बिलाखिर जिस मंजिल पर वो पहुंचना चाहती थी पहुंच गई। पहली अकलियती खातून ऑफिसर का एजाज पाने पर मारिया शमून और वालदैन खुशी से सरशार हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं नूर लाफी। मेहनत का फल मीठा होता है, मेहनत करने वाले इंसान को जल्द या बदेर उसका फल मिल ही जाता है, ये मानना है मारिया शमून का, जिन्होंने हाल ही में पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में पहली पोजीशन हासिल करके असिस्टेंट कमिश्नर बनने का एजाज हासिल किया है। मारिया का ताल्लुक क्वेटा शहर के एक मतवस्त घराने से है, जिन्होंने अपने दीगर बहन भाइयों की तरह अपनी तमाम तालीम सरकारी तालीमी इदारों से हासिल की। मेरे लिए डू एंड डाई वाली सिचुएशन थी, तो हम कोई 300 से 400 लोग थे जो इस एग्जाम दे रहे थे, इनरोल तो बहुत से लोग थे लेकिन 300
से 400 लोग जो थे वो पेपर्स एग्जाम्स दे रहे थे, जिनमें से सिर्फ 9 लोग जो है वो पास हुए, और उन 9 लोगों में से 2 लोग असिस्टेंट कमिश्नर के लिए और 5 लोग सेक्शन ऑफिसर के लिए जो सेलेक्ट हुए थे, उनमें से मेरा पहला नंबर था। और जब मेरा रिजल्ट आया तो मैं यही देख के सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की थी कि अगर मैंने पास किया है तो किसी डिस्टिंक्शन के साथ एक टॉपर होने की हैसियत से पास किया है। मारिया का कहना है कि उनके वालिद शमून मसी क्वेटा डेवलपमेंट अथॉरिटी में ड्राइवर थे, जो 2016 में रिटायर हो गए। वालदा भी मुलाजमत किया करती थी। कम आमदनी के बावजूद वालिदैन ने 8 बच्चों को अच्छा पढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश की। नाकामियों के बावजूद वालिदैन ने हमेशा हौसला बढ़ाया। अपने वालदैन के बारे में अगर आपको बताऊं, उनकी मेहनत और काविश जो उन्होंने हमारे लिए की, तो क्योंकि मेरे बाप एक ड्राइवर था और ना उनकी इतनी तनख्वाह थी, 600 रुपए से उन्होंने शुरू किया था, और मेरी माँ एक स्कूल में एक छोटी सी जॉब करती थी उनकी सपोर्ट करने के लिए, तो हमारे माँ बाप के पास क्योंकि इतनी ना सैलरी थी ना इतने अखराजात अफोर्ड कर सकते थे, तो फिर उन्होंने इतने कम रिसोर्सेज में इतने कम तनख्वाह में सिर्फ यही सोचा कि वो बच्चों की तालीम पर लगाएंगे। मतलब हमारे वालदैन ने हमारे लिए ये सब कुछ तो नहीं किया, ना अच्छे कपड़े, ना अच्छा खाना, ना अच्छा रहने की जगह भी नहीं थी, क्योंकि हमारे पास पहले एक ही कमरा होता था और उसी में हम 8 बहन भाई और मेरे वालदैन, और उसी के साथ एक छोटा सा किचन होता था, वहीं पर हमें पढ़ना होता था, वहीं पर हमें सोना होता था। तो हमारे लिए पढ़ाई में ये भी बहुत बड़ी मुश्किल थी कि हमारे लिए पढ़ने के लिए कोई अच्छी जगह भी नहीं थी। मारिया शमून के वालदैन भी बेटी की कामयाबी पर इंतहाई खुश हैं और फख्र महसूस कर रहे हैं। सबसे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है हमारी कम्युनिटी से भी और लोगों से भी, हमारे खानदान से भी। बड़ी फख्र की बात है ये हमारे लिए, अपनी बेटी के लिए, उसकी कामयाबी के लिए हम बहुत खुदा का शुक्र अदा करते हैं। मेरे तकरीबन सब बच्चे ही मतलब गवर्नमेंट जॉब पे हैं, और खुदा का शुक्र है कि 17 में हैं ज़्यादातर, और ये खुदा ही करने वाला था। हमने तो ना किसी को सिफारिश की, ना किसी को पैसा दिया है, बच्चों ने अपनी काबिलियत पे सब कुछ किया है। मसीही बरादरी से ताल्लुक रखने वाली पहली खातून असिस्टेंट कमिश्नर अपनी कौम और दुखी इंसानियत की खिदमत करने का जज्बा रखती हैं। मारिया शमून ने CSS में 3 और पब्लिक सर्विस कमीशन में 2 बार नाकामी के बावजूद हिम्मत न हारी, मेहनत जारी रखी और मुकाबले के इम्तिहान में पहली पोजीशन हासिल करके अपने वालिदैन का सर फखर से बुलंद कर दिया। कैमरामैन जफर बलोच और जुनेद अकबर के साथ नूरुल आरफीन, समा, क्वेटा। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मारिया शमून, वेलकम टू द शो। आपसे आपकी कामयाबी के बारे में जानेंगे। मारिया, कैसा लग रहा है आपको इस कामयाबी के बाद? जी, मैं बहुत खुश हूँ। आखिरकार मेरा वो ख्वाब जिसके लिए मैं इतनी मेहनत करती रही, वो मुझे हासिल हो गया, और मेरे माँ बाप की मेहनतों का सिला उन्हें मिला है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं बहुत खुश हूँ, और वो जो मेरी ज़हनी और दिली फीलिंग्स हैं उनको शायद मैं अल्फाज में बयान भी ना कर सकूँ। अच्छा, PCS करते हुए किन मसाइल का सामना रहा आपको? जहाँ तक मसाइल की बात है, एक सबसे बुनियादी बात तो यही है कि मेरी अच्छी स्कूलिंग नहीं थी, और यहाँ पर रहते हुए मेरे पास अच्छे टीचर्स नहीं थे, जो बात मैं बार बार कहती हूँ, अच्छी लाइब्रेरीज़ नहीं थी। एक लाइब्रेरी तक जाने के लिए ही मुझे 1 घंटा लग जाता था, यहाँ से पहले बस में जाना, फिर आगे से पैदल चलना, तो उस आने जाने में ही मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी। लेकिन उससे भी बढ़ कर जो मुश्किलात मुझे साइकोलॉजिकल मुश्किलात जो फेलियर्स के बाद मुझे अपने आप को खड़ा रखना, अपने आप को हौसला देना, और अपने घर वालों का सामना, अपने दोस्तों का सामना करना, क्योंकि जैसे ही CSS का PCS का रिज़ल्ट आता है तो वो खबर तो जंगल में आग की तरह होती है, और हर शख्स जब आपसे पूछता है कि क्या बना आपके रिजल्ट का, और बार बार लोगों को ये बताना कि आप नाकाम हो गए हैं, तो आप फेल हो गए हैं, तो ये एक बहुत बड़ी मतलब मेरे लिए शर्मिंदगी बनती थी कि मैं कैसे लोगों को जवाब दूंगी। और बार बार लोग शायद यही समझते होंगे कि आपको मेहनत करनी नहीं आती, आप में इतने स्किल, आप में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप कामयाब हो सकें। फिर लोगों का सामना करना, अपने आप को खड़ा रखना उस जगह पर, तो मैं समझती हूँ कि नाकामियों के बाद, हर नाकामी के बाद मैंने सीखा है, और जो मुश्किलात का मुझे सामना करना पड़ा, वो अच्छे टीचर्स नहीं थे, अच्छे इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, अगर थे तो बहुत महंगे थे, हाई फीसेस थी जिनको शायद मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी। अच्छे सरकारी स्कूलों से पढ़ने की वजह से मैं इतनी शार्प स्टूडेंट भी नहीं थी कि मैं इंग्लिश को बहुत जल्दी हैंडल कर लेती, तो उस मामले में मुझे काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा, लेकिन लगातार मेहनत के बाद मैंने इसे आखिरकार हासिल कर लिया। सही,
अच्छा ये भी बताइएगा कि तीन बार आपने इम्तिहान दिया, क्या पीसीएस के निसाब में कोई तब्दीली हुई? जहाँ तक CSS की बात है तो CSS मैंने 2016 में जब अपना पहला अटैम्प्ट दिया तो उसी वक्त CSS का निसाब जो था वो तब्दील हुआ था और मेरी इन तीन अटैम्प्ट में CSS का एक ही निसाब रहा। लेकिन यह है कि CSS के पेपर पैटर्न्स का जो तरीका था वो एक ही रहा, लेकिन PCS जो था उसका निसाब तो खैर चेंज नहीं हुआ, लेकिन PCS के पेपर का पैटर्न जो था वो हर बार चेंज होता था, खासकर जर्नल नॉलेज का पैटर्न, जिसकी वजह से बहुत दफ़ा स्टूडेंट्स को नाकामी का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत दफ़ा स्टूडेंट पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो निसाब तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये मतलब स्टूडेंट्स की ख्वाहिश है कि PCS का निसाब जो है उसमें तब्दीली लाई जाए। अच्छा, बड़ा टफ़ ये कॉम्पिटिशन होता है, तो इम्तहान की तैयारी में किसने आपकी मदद की थी? इम्तिहान की तैयारी में मैं किसी एक शख्स का तो नहीं कहूँगी कि उसने मेरी मदद की थी, क्योंकि मैं ख़ुद बहुत से लोगों के पास जाती थी कि वो मेरी हेल्प करें, जिसे जो जिस एरिया में मास्टर होता था मैं अपने एक फ्रेंड, दूसरे फ्रेंड और अपने टीचर्स के पास, मुख्तलिफ लोगों के पास जाती थी कि वो मेरी हेल्प करें। सबसे पहले मैंने क्वेटा में इन्फाल अकेडमी से अपना प्राइमरी नॉलेज जो था, मतलब मैं वहाँ पर गई, वहाँ से मैंने बेसिक्स पढ़े कि कम्पिटेटिव एग्ज़ाम होता क्या है, वहाँ से मुझे कुछ समझ आई। उसके बाद मैं सेल्फ़ स्टडी करती रही, कुछ दोस्तों से हेल्प लेती रही, तो मैं किसी एक शख्स का नहीं कह सकती कि उसने मेरी हेल्प की हो। अच्छा, PCS की तैयारी के हवाले से कई मराकज़ भी कायम हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि ये तैयारी सिर्फ तैयारी ही नहीं है बल्कि इसमें एक जो कैंडिडेट है उसकी कैपेबिलिटी का भी इम्तहान होता है, तो क्या कहेंगे आप इस पर? बिल्कुल, ये बात हकीकत है कि सिर्फ़ अकेडमीज़ पे बंदा डिपेंड नहीं कर सकता, और अगर अकेडमीज़ पे ही डिपेंड करना होता तो हज़ारों की तादाद में हर साल लोग अकेडमीज़ में जाते हैं, लेकिन हज़ारों की तादाद में कामयाब नहीं होते। और बहुत से ऐसे भी हैं जो बग़ैर अकेडमी के जो हैं वो CSS को या PCS को पास कर लेते हैं। तो ये आपकी सेल्फ़ कमिटमेंट पर, ये आपके अपने इरादे पर बहुत मुनसर है कि आप किस तरह दिल लगा कर मेहनत करते हैं। और अगर आपने अकेडमी में जाकर भी आपका इरादा पुख्ता नहीं है, आपका अज़म पुख्ता नहीं है कुछ हासिल करने का, तो अकेडमी आपको कामयाबी का यकीन नहीं दिला सकती। लेकिन आप घर में बैठकर, एक कमरे में बैठकर अगर आप अपने इरादे में, अपने ख्वाब के पीछे अपने आप को मारते हैं और अपने आप को खर्च करते हैं, आपकी कमिटमेंट सच्ची है, तो आप ज़रूर जो है उसे हासिल कर लेंगे। तो ये बात अकेडमीज़ पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन अकेडमीज़ आपको गाइड ज़रूर करती हैं, आपको डायरेक्शन ज़रूर देती हैं, लेकिन कामयाब होने के लिए आपका सेल्फ एफर्ट जो है वो सबसे ज़्यादा जो है इस मामले में इम्पॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया मारिया आपका, और दुआएं आपके लिए।